फाइनली आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे गेम के अंदर स्पाइडर टनल आ चुकी है। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंटरनेट ऑप्शन के कुछ कमाल के चीट कोड बताने वाला हूँ। साथ साथ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंटरनेट ऑप्शन का एक ऐसा चीट कोड बताने वाला हूँ जिससे आप सब लोग अपने गेम के अंदर ये वाले हॉस्पिटल को ले पाओगे। यानी कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंटरनेट ऑप्शन के कुछ कमाल के सीक्रेट चीट कोड बताने वाला हूँ। तो गाइस जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस चलिए फिर शुरू कर लेते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको हमारे गेम के अंदर जो न्यू इंटरनेट का ऑप्शन आया उसका कुछ कमाल का मोड फाइल दे देता हूँ। गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगी, तो आपको सिंपली वहाँ पर जाना है एंड उस वाले लिंक को कॉपी करना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर इंटरनेट वाले ऑप्शन पर आ जाना है एंड यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली इंटरनेट वाले ऑप्शन पर उस वाली फाइल को कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देना जैसे यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। एंड यहाँ पर इसको पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली थोड़ा सा बैक आना होगा एंड यहाँ पर बैक आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आरजे स्टोर के अंदर यहाँ पर एल डी लिखना होगा, यानी कि जो फाइल होगी उसको आपको सिंपली लोड करना होगा। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा आएगा फाइल लोडेड एंड इसके बाद आपको सिंपली अपनी गेम को यहाँ पर रिस्टार्ट कर लेना है। एंड गाइस अभी मैं आपको हमारे गेम के अंदर जो चीज ऐड हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड गाइस लिटरली जो वाली चीज है वो नेक्स्ट लेवल है, तो चलिए मैं आपको वाली चीज दिखा देता हूँ। तो गाइस इस चीज को लेने के लिए आपको सिंपली कहीं पर भी नहीं जाना, आपको सिंपली अपने हाउस से बाहर आना होगा एंड यहाँ से आप लोग जैसे हाउस के सामने देखोगे तो वहाँ पर आपको स्पाइडर का टनल देखने को मिलेगा। एंड गाइस उसके अंदर हमें सिर्फ टनल ही देखने को नहीं मिलता, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो गाइस अभी हम सीधे यहाँ पर टनल पर जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर हमें कौन सी न्यू चीजें देखने को मिलती है। एंड गाइस यही सब सब लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो टनल देखने को मिल रही है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। एंड गाइस उसके अंदर हमारे ऊपर स्पाइडर भी अटैक करने वाले हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पर मैं स्पाइडर की टनल के अंदर आ चुका हूँ। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो अंदर से टनल है वो दिखने में कितना ज्यादा खतरनाक है। एंड गाइस अगर आप लोग यहाँ पर टनल के सामने वाले कोने के अंदर जाओगे तो वहां से आपको एक स्पाइडर देखने को मिलेगा जो की आपके ऊपर अटैक करेगा, बट उससे पहले आपको सिंपली 9129 डायल कर लेना ताकि आपके ऊपर यहाँ पर स्पाइडर अटैक करे तो आप लोग ना मरो। एंड गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं टनल के इस वाले कोने के अंदर आया तो यहाँ पर मेरे पर एक स्पाइडर ने अटैक कर दिया है। एंड ऐसे आपको सिंपल यहाँ पर टनल के अंदर जाना है, मैं जैसे यहाँ पर जा रहा हूँ आपको सिंपली उसी तरह से जाना होगा। एंड गाइस मैं इस तरफ आया तो यहाँ से भी एक स्पाइडर ने मेरे पर अटैक कर दिया है। एंड गाइस वीडियो की लास्ट के अंदर मैं आपको यहाँ पर हॉस्पिटल का चीट कोड बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एंड गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे ऊपर बहुत सारे स्पाइडर ने अटैक कर दिया है, तो थोड़ा सा और आगे जाते हैं देखते हैं कि हमारे ऊपर कितने सारे स्पाइडर यहाँ पर अटैक करते हैं। एंड गाइस उसके बाद यहाँ पर मैं आपको स्पाइडर को मारकर भी दिखाऊंगा एंड उसके बाद यहाँ पर मैं अपने मोड ऑन करूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो सारी सारी बिल्डिंग बने उसको भी तोड़ेंगे एंड फिर देखते हैं कि यहाँ पर जो सारे सारे स्पाइडर है वो हमारे ऊपर किस तरह से अटैक करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पर बहुत सारे स्पाइडर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने गन को भी ले लिया एंड यहाँ पर मैं इन सभी के ऊपर फायर कर रहा हूँ, बट गाइस ये बहुत सारे स्पाइडर है तो इनको मारना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बट गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे स्पाइडर है। एंड गाइस इसके बाद आपको सिंपली आरजी शोल्ड के अंदर जाना होगा एंड इसके ऊपर आपको सिंपली एमडी ऑन लिखना होगा, यानी कि आपको सिंपली मोड ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली पिस्तल लेना है, इसके बाद आपको दीवार के ऊपर फायर करना है जैसे यहाँ पर मैं फायर कर रहा हूँ। एंड गाइस ये देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इसके बाहर एंड इसके बाद आपको सिंपली बाहर आने के बाद एक गन को लेना है एंड फिर आपको सारे सारे स्पाइडर को मारना है जैसे यहाँ पर मैंने सारे सारे स्पाइडर को मार दिया है। एंड गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो कि दीवार की पिछली तरफ भी बहुत सारे स्पाइडर है तो मैं उनके ऊपर फायर करता हूँ। एंड गाइस ये देखो यहाँ पर हमारा मोड ऑन था तो वो सारे सारे स्पाइडर यहाँ पर बाहर आ चुके हैं। एंड लिटरली ऐसे आप सब लोग अपने गेम के अंदर स्पाइडर का मजा ले पाओगे एंड आप सब लोग अपने गेम के अंदर कुछ इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस को कम्प्लीट कर पाओगे। एंड गाइस अभी मैं जल्दी से हमारे गेम के अंदर जो ये टनल देखने को मिलता है उससे मैं आपको जेटपैक से दिखा देता हूँ। तो गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने जेटपैक को ड्राइव कर लिया है एंड आप सब लोग यहाँ पर ऊपर से देख सकते हो कि जो हमारा ये टनल ऐड किया गया वो दिखने में कितना ज्यादा बढ़िया है। एंड गाइस इसका नाम स्पाइडर टनल है या फिर आप सब लोग इसको स्पाइडर हाउस भी बोल सकते हो, जो कि हमें सिंपल यहाँ पर हाउस के सामने देखने को मिलता है। एंड गाइस अभी मैं क्या करता हूँ अपने जेटपैक को नीचे लेकर जाता हूँ एंड यहाँ पर जो सामने स्पाइडर दीवार के अंदर है उन सभी को बाहर निकालता हूँ एंड फिर यहाँ पर मैं एक बॉट को भी स्पॉन कर दूंगा एंड फिर देखते कि क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर पहले तो मैंने बॉट को स्पॉन कर दिया एंड यहाँ पर मैंने पिस्तल निकाल लिया, यहाँ पर मैंने इनके ऊपर फायर किया। एंड गाइस ये सार्क सार टनल से स्पाइडर बाहर आ चुके हैं, जल्दी से मैं यहाँ पर बॉट के अंदर बैठ जाता हूँ एंड फिर देखता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। एंड गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर मेरे पर अटैक कर रहे हैं, लिटरली दिखने में भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड गाइस ऐसे आप सब लोग अपनी गेम के स्पाइडर का मजा ले सकते हो। एंड गाइस अगर आप सब लोग इसका फाइल चाहे तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप सब लोग हमारी व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां पर भी मैं आपको इस वाली फाइल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड गाइस मैंने जिस तरह से आपको बताया उसकी तरह से आपको सिंपली फाइल को पेस्ट करना होगा। एंड गाइस अभी मैं आपको हमारी गेम के अंदर जो न्यू अपडेट आई उसके कुछ कमाल के सीक्रेट के बारे में बता देता हूँ, यानी कि कुछ सीक्रेट चीट कोड के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस आप लोगों को बता कि हमारी गेम के अंदर जो स्पाइडर अपडेट आई थी उसके अंदर बहुत सारे चीट कोड देखने को मिले थे, जैसे कि हम सभी लोग अपने गेम के अंदर 8370 डायल करते तो हमारे गेम के अंदर में ये वाला ऑटो रिक्शा देखने को मिल जाता है जो कि दिखने में भी काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड गाइस इसके बाद हमारे गेम के अंदर जो ये वाला एयरपोर्ट ऐड किया गया उसके अंदर भी बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया था, जैसे यहाँ पर ये वाली बिल्डिंग को ऐड किया गया था, साथ ही साथ यहाँ पर ये वाली बिल्डिंग को ऐड किया गया था। एंड गाइस जो सामने यहाँ पर व्हाइट कलर की बिल्डिंग है उसको क्या बोलते हैं मुझे कॉमेंट के अंदर जरूर से बता देना। एंड गाइस अगर आप सभी लोग यहाँ पर न्यू एयरपोर्ट के अंदर यहाँ पर आओगे एंड यहाँ पर हमें जो सामने यहाँ पर सीधी की सीधी जो सीढ़ी देखने को मिलती है, यानी कि जो बिल्कुल ऊपर वाली सीढ़ी है उसके ऊपर अगर आप लोग धीरे धीरे जंप करोगे एंड
आप लोग आगे वाला बटन को थोड़ा थोड़ा क्लिक करोगे तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पर ऊपर चढ़ पाओगे, यानी कि आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर चढ़ पाओगे। ज्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे तो आप कुछ इस तरह से नीचे गिर जाओगे। बट गाइस आप लोग जब अपने गेम के अंदर इस वाली चीज को ट्राई करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। गाइस आप में से कई सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि हमारे गेम के अंदर में जो आरजे स्टोर के अंदर प्रॉप्स देखने को मिलते हैं, साथ साथ वहां पर हमें जो बिल्डिंग वगैरह देखने को मिलते हैं उसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको जल्दी से उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो गाइस जल्दी से यहाँ पर मैं H1 डायल करता हूँ तो यहाँ पर मेरा एक हाउस आ गया। एंड अभी मैं जल्दी से यहाँ पर एक कंटेनर को भी स्पॉन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 6 डायल किया एंड हमारा ये वाला कंटेनर आ चुका है। तो गाइस इसके लिए आपको सिंपली आरजे स्टोर के अंदर जाना होगा, यहाँ पर जाकर MD ऑन लिखना होगा, यानी कि आपको सिंपली अपने मोड को ऑन कर लेना है। एंड गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका मोड ऑन हो जाए तो उसके बाद आपको सिंपली कंटेनर के पास आना है, जैसे यहाँ पर मैं आ गया हूँ। एंड आपको सिंपली इसको कुछ इस तरह से पकड़कर साइड में ले जाना है, जैसे यहाँ पर मैं ले गया हूँ। एंड गाइस वेट, यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेनर मेरे को लेकर गया, यानी कि यहाँ पर जो ये कंटेनर घूमता रहता है उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा हार्ड है। बट गाइस आप सब लोग उसी तरह से इसको कंट्रोल कर पाओगे। एंड गाइस अगर आप सब लोग अपने माउस को कुछ इस तरह से ऊपर ले जाओ एंड फिर उसको कुछ इस तरह से नीचे करोगे तो वो कंटेनर जमीन के अंदर घुस जाएगा, जैसे यहाँ पर मैं घुसा कर आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये देखो, यहाँ पर जो कंटेनर है वो जमीन के अंदर घुस रहा है। एंड आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरा का पूरा कंटेनर यहाँ पर जमीन के अंदर घुस गया है। एंड गाइस इससे आप लोग क्या बना सकते हो, मैं आपको कुछ कमाल की आइडिया बता देता हूँ। गाइस मैं आपको देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर आ जाना है, जैसे यहाँ पर मैं ऊपर आ गया हूँ। बट गाइस यहाँ पर मेरा जो कंटेनर था उसके अंदर ही घुस गया, तो मैं आपको ये वाली चीज करके फिर से दिखा देता हूँ। गाइस इसका यूज करके आप लोग अपने गेम के अंदर जो कार चल रहे हैं उसके अंदर कार को रोटेट कर पाओगे। गाइस इसके लिए आपको सिंपली C6 डायल करना, जैसे यहाँ पर मैंने डायल कर लिया है। एंड इसके बाद आपको सिंपली जो ये वाला कंटेनर है उसको सिंपली कुछ इस तरह से अपन नीचे लेकर आना, जैसे मैं लेकर आ रहा हूँ। एंड बिल्कुल आपको सिंपली जमीन के अंदर डाल देना है। एंड ये सब कुछ आपको सिंपली कार शोरूम के अंदर ही करना होगा, तो ये चीज सही से वर्क करेगी। एंड गाइस इसके बाद आपको सिंपली अपने गेम के अंदर किसी भी कार को स्पॉन कर लेना, जैसे पर मैं 3005 डायल कर लेता हूँ। एंड जल्दी से इसके ऊपर एक कार को स्पॉन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ, तो यहाँ से ये चीज सही से हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने चीट कोड सही से नहीं डाला, यहाँ पर मैंने 3005 डायल किया। एंड गाइस आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसके ऊपर मेरी कार आ चुकी है। बट गाइस यहाँ पर जो कार है वो रोटेट नहीं हो रही है। बट गाइस अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे हमारे गेम के अंदर जो कार शोरूम है उसके अंदर आप लोग ये वाली ट्रिक को ट्राई करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड गाइस इसके अलावा हमारे गेम के अंदर जो न्यू अपडेट आई थी उसके अंदर भी कुछ न्यू चीट कोड आए थे, जैसे कि आप सभी लोग अपने गेम के अंदर 20-20 डायल करोगे तो हमारे गेम के अंदर पेरिस मॉडिफाइड इंडिवर कार देखने को मिलेगी। एंड गाइस जो स्पाइडर देखने को मिलता है उसका चीट कोड अवेलेबल है। गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर 5599 डायल करोगे तो हमारे गेम के अंदर में प्यारा सा स्पाइडर देखने को मिलेगा। एंड गाइस आप लोग को स्पाइडर को जल्दी से मारना होगा वरना ये आपको मार देगा। तो यहाँ पर मैंने गन ले ली, मैं इसके ऊपर फायर कर रहा हूँ एंड देखना अभी ये मर जाएगा। एंड गाइस ये देखो, यहाँ पर जो स्पाइडर था वो पूरी तरह से मर गया है। एंड गाइस अब सब लोग अपने गेम के अंदर मोड को ऑन करके रखोगे तो हाउस को भी कुछ इस तरह से कंट्रोल कर पाओगे। एंड गाइस अब हम बात करते हैं कि आप सब लोग अपने गेम के अंदर पर इंटरनेट के अंदर कौन सा चीट कोड डालोगे तो हमारे गेम के अंदर में ये वाली हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखने को मिलेगी। तो गाइस अभी मैं अपने गेम के अंदर पर हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना रहा हूँ एंड जैसे वो पूरी तरह से रेडी हो जाएगी तो मैं आपको इंटरनेट की फाइल दे दूंगा एंड फिर आप सब लोग उस वाली फाइल को अपने गेम के अंदर डाल पाओगे एंड फिर आपकी गेम के अंदर पर प्यारा सा हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी आ जाएगी। एंड गाइस लिटिल इस बार की जो अपडेट आई है वो काफी ज्यादा बढ़िया अपडेट है। एंड आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना कि हमारे गेम के अंदर पर जो न्यू स्पाइडर टनल को ऐड किया गया वो टनल आप लोगों को कैसी लगी है। बाकी तो गाइस जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को थोड़ी सी लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं तो याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों को इस वाले चैनल पर ऐसी ही कमाल कमाल की वीडियो देखने को मिलती है। बाकी तो गाइस मैं मिलता हूँ ऐसी ही कमाल की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।